गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आप लोगों के एक बात से बहुत ही दुखी है कि कभी कभी आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो आप लोग अपने मन को बहुत ही छोटा कर लेते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। हम आप लोगों को एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग अपने आस पड़ोस में किसी छोटे बच्चा को देखते होंगे, जो बच्चा 6 महीना या 7 महीना या 8 महीना का होता है। जानते क्या होता है, वो दिन भर में नहीं तो कम से कम वो 100 बार, 150 बार, 200 बार जो है वो बच्चा गिरता है खड़ा होता है, गिरता है खड़ा होता है। अगर उसके मन में अगर एक बात अगर ये पैदा हो जाए कि मैं आज दिन भर में इतना मर्तबा गिरा हूं, शायद मेरे नसीब में चलना लिखा नहीं है, और ये बात अगर वर्ल्ड के पूरे बच्चे के माइंड में अगर आ जाए, तो बेटा आज वर्ल्ड में पूरा बच्चा जो पैदा लेता है वो सारा बच्चा क्या होता, अपाहिज होता, लंगड़ा होता। तो हमसे कहीं ज्यादा बेहतर एक छोटा बच्चा है, कितना मरते गिरने के बावजूद भी अपनी हिम्मत को नहीं हारता है। लेकिन हम इतने बड़े होकर के हिम्मत अपनी क्यों हारेंगे, बताइए। तो आपको हिम्मत देने के लिए ही तो हम आपके सामने में हमेशा प्रेजेंट होते हैं। खैर, इन सारी बातों को छोड़ा जाए, हम लोग अपने क्लास की ओर चलते हैं। आज की क्लास में हम लोग इज आर एम इन दी हैबिट ऑफ की बात करेंगे, जिसका हिंदी होता है आदत है। अब जैसे कि कभी कभी आप लोग ये सुने होंगे कि मुझे चाय पीने की आदत है, तो उसके अंग्रेजी हम लोग क्या बनाते हैं, आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। और इसके एक तरीका और है, आई हैव दी हैबिट ऑफ टेकिंग टी, आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, या आई हैव दी हैबिट ऑफ टेकिंग टी। आप दोनों में से किसी एक तरीका का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा आपको एक ही बार में अगर दो दो मिनट अगर बताया अगर जाए तो हो सके कहीं आपके लिए हार्ड हो जाए। तो सिर्फ हम आज हम क्या काम करेंगे बेटा, एक ही मेथड को आज हम ले चलेंगे ताकि आप लोग को किसी की प्रॉब्लम नहीं हो, तो थोड़ा सा इधर आप लोग गौर कर लेंगे। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पर बोर्ड पर मैं लिखना छोड़ दिया हूँ कि एम किसके साथ लगाना है, आर किसके साथ लगाना है, इच किसका साथ लगाना है। इसके पहले वाली वीडियो में बहुत मरतबा हम आप जो लोगों को समझा चुके हैं, जहाँ पर मेरा ख्याल है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहां पर गौर करने की आदत है। मैं आपका पहला क्वेश्चन यहां पर ये डाल रहा हूं कि उसे वर्ग में सोने की आदत है, उसे वर्ग में सोने की आदत है। इसको बेटा डिवाइड करना पहले, यहां पर एक नंबर में उसे, दो नंबर में आदत है। किस चीज की, सोने की। कहां सोने की बेटा, वर्ग में। अब यहां पर एक सवाल आप लोग यहां पर हमसे ये करेंगे कि सर सबसे पहले तो हमको ये बताते चलिए आप, हम लोग कैसे समझेंगे कि ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पर सिद्ध होगा। अगर बेटा क्वेश्चन में अंत में आदत है रहेगा तो इस नियम पर बनाना है, नहीं रहेगा नहीं बनाना है। अगर अभी हम आदत को यहां से काट करके हटा देंगे, मिटा देंगे, तो ये किसी भी कीमत पर ये क्वेश्चन जो है, समझ रहे हैं ना, ये किसी भी कीमत पर ये क्वेश्चन इस फॉर्मूला पर नहीं बनेगा। चलिए गौर करते हैं। अब यहां पर हम गौर करते हैं, जैसे कि एक नंबर में उसे है, उसे के अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप यहां, चलिए ही डाल दिया ही। और ही के अनुसार क्या करना है, ही जाने की जहां तक बात है तो ही के साथ तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि ही के साथ ही लगाना है। अब रही बात यहां पर आदत की, तो क्या लिखेंगे, हाँ, इन द HABIT, इन द हैबिट ऑफ, रही बात सोने की, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा, स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग। स्लीपिंग लिखने के बाद आप लोग यहां पर चौथे नंबर फिर से देख ले, तो उसे अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ही के साथ क्या लगाना है, दो नंबर में आदत के अंग्रेजी क्या लिखना है, इन द हैबिट ऑफ।
उसके बाद यहां पर रही बात सोने की, तो सोने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ स्लीपिंग लिखेंगे, मगर कहां पर सोने की आदत है वर्ग में, तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप लोग यहां, इन द क्लास। अब यहां पर मेरे एक विद्यार्थी जी का सवाल है कि सर एक बात ये सेटिस्फाई कराया जाए, सर एक ट्रांसलेशन बनाइए आप। बोलिए सर, क्वेश्चन यह है कि वह जा रहा है, इसके अंग्रेजी क्या होगा? मैं बोलूंगा ही इज गोइंग। अब आप फिर पूछेंगे कि सर गो के अंत में आईएनजी क्यों लगा है, तो मेरा जवाब ये होगा कि बेटा इस क्वेश्चन के वर्ब के अंत में रहा है लगा हुआ, इसलिए आईएनजी लगा। अगर रहा है नहीं होता तो आईएनजी नहीं लगता। अब आप लोग हमको यहाँ पर एक सवाल ये फिर करेंगे कि तो सर इस क्वेश्चन में दूर दूर तक कहीं भी रहा है नहीं है, नजर नहीं आ रहा है, तो फिर स्लीप के अंत में आईएनजी क्यों लगा? तो हम आपको बता ये देना चाहते हैं कि बेटा ये यहाँ पर ये ऑफ जो प्रीपोजिशन है, यहाँ पर ऑफ के कारण मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ा, आईएनजी लगाना पड़ा। ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ रहा नहीं रहेगा तो ही आईएनजी लगाएगा, कुछ ऐसे प्रीपोजिशन है जिसके बाद वी1 प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। उस प्रीपोजिशन में एक प्रीपोजिशन आपका कौन है, ये ऑफ है यहाँ पर, तो मुझे ऑफ के कारण क्या करना पड़ा, यहाँ पर आईएनजी को ऐड करना पड़ा। अगर यहाँ पर हम आईएनजी ऐड नहीं करेंगे तो फिर ये सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा, तो फिर से आप माइंड मेंटेन कर ले, यहाँ पर ऑफ के कारण ही स्लिप के अंत में आईएनजी लगाया गया है। अगली क्वेश्चन पर गौर करते हैं, आपकी अगली क्वेश्चन है, मुझे सुबह में 1:30 से उठने की आदत है, मुझे सुबह में 1:30 से उठने की आदत है। हाँ, अब जैसे कि एक विद्यार्थी जी का और कहना है कि सर एक तरीका और बताते हैं ना आप यहाँ, तो अगला तरीका भी सुन लीजिए। अगला तरीका इस क्वेश्चन में हैज लगा के हम बना सकते हैं, ही हैज दी। अगर यहां पर हम ईच के जगह पर हैज लगा देंगे तो फिर मुझे इन हटाना पड़ेगा, ही हैज दी हैबिट ऑफ स्लीपिंग इन द क्लास, ही हैज दी हैबिट ऑफ स्लीपिंग इन द क्लास। तो आप अगर हैज लगाएंगे तो इनको हटाना पड़ेगा, ईज लगाएंगे यहां पर तीन लगाना पड़ेगा। तो चलिए आगे की क्वेश्चन में फिर से देख लेते हैं। 1 नंबर में मुझे, 2 नंबर में बेटा ये आदत है, किस चीज की आदत है, उठने की आदत है। कैसे उठने की आदत है, तो 1:30 से उठने की आदत है, मगर कब, तो सुबह में। ये 5वां नंबर में हो जाएगा, तो यहां पर गौर कर लेते हैं, 1 नंबर में मुझे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। अब यहां पर आई के अनुसार क्या डाल देना है, ये एम डाल देना है। मुझे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आई के अनुसार क्या लिखेंगे बेटा, एम लिखेंगे। रही बात 2 नंबर में आदत की, यहां पर क्या लिखेंगे हम, इन द HABIT, इन द हैबिट, पढ़ लीजिएगा आप यहां पर HABIT, हैबिट ऑफ। रही सवाल उठने की, तो गेट का क्या लिखेंगे, गेटिंग हो जाएगा, और गेटिंग के बाद आपको बेटा आप डालना पड़ेगा, गेटिंग अप मतलब उठना हो जाएगा। फिर समझ लीजिए यहां पर गेट के अंत में आईएनजी जो लगा यहां पर ऑफ के कारण लगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले विद्यार्थी जी का फिर एक सवाल यहाँ पर कि सर एक बात और बताइए, आप बार बार सवाल करते हैं, चलिए हम आपको सवाल का जवाब देते हैं। आपका सवाल यह है कि सर ये जो गेट है इसमें DT क्यों लगा? बेटा एक बात गौर करेंगे, ये जी मेरा क्या, ये कॉन्सोनेंट है, टी भी मेरा क्या, ये कॉन्सोनेंट है, ई मेरा क्या, ये वोवेल है। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वोवेल हो, जब उसके अंत में ING लगाएंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ING लिखेंगे। तो समझ में आ गया होगा गेट में DT क्यों लगा। उसी तरह ये जो होता है PUT होता है, PUT ये कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट बीच में वोवेल है। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वोवेल हो, जब हम ING लगाएंगे, तो यंत वाला अक्षर फिर ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और यहां पर हम ING लगाएंगे। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे गौर करते हैं, गेटिंग अप। रही बात यहाँ देर की, तो देर की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर आप लोग, LATE, और 5वें नंबर में सुबह है तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, इन द मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। फिर से देख लेते हैं, 1 नंबर में मुझे है तो आई है, मुझे नहीं तो आई नहीं।
यहाँ पर आदत है तो क्या लिखेंगे, एम इन द हैबिट ऑफ। अगर आदत है नहीं होता तो आप यहाँ पर एम इन द हैबिट ऑफ नहीं लगाते। नंबर तीन में बेटा उठने की, तो क्या लिखेंगे, गेटिंग अप। उठने की नहीं होता तो गेटिंग अप नहीं लिखते। फिर हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, क्या बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में दूर दूर तक कहीं भी रहा है, रही है, नजर नहीं आ रहा, फिर भी यहाँ पर बेटा आईएनजी क्यों लगा? कोई आदमी, कोई स्टूडेंट? ओ हाँ, आपका कहना में यह है कि सर यहाँ पर ऑफ जो लगा हुआ है, आप थोड़ी देर पहले बताए थे कि ऑफ के कारण यहाँ पर आईएनजी लगा है। अगर यहाँ पर ऑफ नहीं होता तो फिर हम क्या काम करते, गेट के बाद आईएनजी भी नहीं लगाते, लेकिन मुझे तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे क्वेश्चन में ऑफ है। चलिए आगे गौर करते हैं। नंबर चार में देर से नहीं होता तो बेटा यहाँ पर हम लेट नहीं लिखते, सुबह में अगर नहीं होता तो इन द मॉर्निंग नहीं लिखते। चलिए आगे की क्वेश्चन में देखते हैं। अगली क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया हम आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसलिए चलिए हम आपको याद दिला देते हैं। तुम्हें किसी को देखकर, तुम्हें किसी को देखकर मुस्कुराने की आदत है, कि आदत है। चलिए यहां पर हम लिख दिए, तुम्हें किसी को देखकर मुस्कुराने की आदत है। अब यहां पर बेटा इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, एक नंबर में तुम्हें, दो नंबर में आदत है, किस चीज की भाई, तो मुस्कुराने की। और उसके बाद क्या है बेटा यहां पर, देख कर कितने नंबर में, चौथे नंबर में, रही बात पांचवे नंबर में किसी को, पांचवे नंबर में किसी को। अब यहां पर तुम्हें की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा, आप यहां पर तुम्हें की अंग्रेजी आप यहां पर यू लिखेंगे। यू के अनुसार क्या डालेंगे आप, आर डालेंगे। हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि किसके साथ आर लगाना है, किसके साथ एम लगाना है, बार बार मैं लिखना इस चीज को अच्छा नहीं समझा। और रही बात यहां पर आदत की, तो फिर क्या लिखेंगे आप यहां पर, इन द हैबिट, HABIT, इन द हैबिट ऑफ। फिर से देखते, एक नंबर में तुम्हें, दो नंबर में आदत है, किस चीज की, तो मुस्कुराने की। कैसे, तो देखकर, किसको, तो किसी को। अब यहाँ पर तुम्हें तो यू लिखेंगे, यू के साथ क्या डालेंगे आप, आर डालेंगे। वहां अब रही बात यहाँ पर आदत की, बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पर आप, इन द हैबिट ऑफ लिखेंगे। रही बात यहाँ पर मुस्कुराने की, तो SMILING, SMILING, स्माइलिंग। अब रही बात देखकर, तो टू टू लिखने के बाद सी लिखेंगे, SEE। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि देखना की अंग्रेजी यहाँ पर सी लिखेंगे। रही बात यहाँ पर किसी को, तो किसी की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर आप, एनी। एनी के बाद क्या लिखोगे यहाँ पर, तुम बड़ी लिखोगे, एनी बड़ी। कोई दिक्कत नहीं, जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन यहां पर हम देख लेते हैं कि हम लोगों को रात में रोटी खाने की आदत है। हम लोगों को रात में रोटी खाने की आदत है, जहां तक मेरा ख्याल है कि आप तोड़ना सीख गए होंगे। अब इसको देखते हैं, यहां पर एक नंबर में हम लोगों को, एक नंबर आदत है, ये दो नंबर किस चीज की, खाने की, क्या खाने की, रोटी। क्या नंबर बेटा ये, चार नंबर। कब, रात में। पांच नंबर हो जाएगा यहां पर। अब यहां पर हम लोग की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा, वी लिखना है। वी के साथ आप क्या डालेंगे, आर लिखेंगे। इसके बाद इन द हैबिट, HABIT, हैबिट ऑफ ईटिंग, ईटिंग के बाद ब्रेड, BREAD, ब्रेड लिखने के बाद आप यहां पर एक काम करो बेटा, एट, एट के बाद NI। चलो हम यहां पर क्लियर करके लिख देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, एट NIGHT, नाइट। फिर से देख लेते हैं, यहां पर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। एक नंबर में हम लोगों को है तो क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। हम लोग नहीं होता तो बी नहीं होता, और आदत नहीं होता तो बी के साथ बेटा आर नहीं होता, फिर ये इन दी हैबिट ऑफ नहीं होता। रही बात दिन में खाने की, तो ये ईटिंग नहीं होता। उसके बाद ये है चौथे नंबर में रोटी है, तो फिर ये बेटा ब्रेड नहीं होता। उसके बाद रात में अगर नहीं होता तो फिर ये एट नाइट नहीं होता। तो चलिए जहां पे मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे के क्वेश्चन में हम गौर करते हैं।
आपकी अगली क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको हम साइड कर देते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा कि पुटिंग क्या होता है, गेटिंग क्या होता है। चलिए आगे की लाइन में हम देख लेते हैं कि तुम्हारे भाई को झूठ बोलने की आदत है। तुम्हारे भाई को झूठ बोलने की, एक नंबर में तुम्हारे भाई को, दो नंबर में आदत है किस चीज की, बोलने की। क्या बोलने की बेटा? झूठ। देखते हैं यहां पर हम फिर से उसको साफ साफ क्लियर कर देते हैं कि इसको डाल लेना, चौथे नंबर में आप लोग इसको डालेंगे, नंबर थ्री में इसको डालेंगे, ये दो नंबर ये हो जाएगा, एक में तुम्हारे भाई को, दो में आदत है किस चीज की, बोलने की। क्या बोलने की? झूठ। तो यहाँ पर रहा सवाल बेटा, यहाँ पर तुम्हारे भाई की, तो योर लिखेंगे, योर लिखने के बाद क्या करना है बेटा, ये ब्रदर लिखेंगे आप लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर एक ही भाई है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे मेरे किसी विद्यार्थी जी का। फिर यह सवाल यहाँ पर होगा कि सर इधर पलटिए बताइए, आपका सवाल यहाँ पर ये होगा कि सर यहाँ पर योर लिखा हुआ, योर के साथ तो सर इज ना लगता है बेटा, ये गलत सोच रहे हैं आप, योर के साथ आज तक जो है ना कभी इज लगा ना कभी यार लगा। फार्मूला ये कहता है कि योर के बाद अगर एक वस्तु हो तो मुझे उस वस्तु के लिए लगाना है, अगर योर के बाद अगर एक से अधिक वस्तु हो तो फिर क्या करना है बेटा, आर लगाना है। तो यहाँ पर एक ही भाई का बोध हो रहा है, इसमें यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। यहाँ पर भाई नहीं भाई लोग होता तो फिर मुझे यहाँ ब्रदर नहीं ब्रदर्स लिखना पड़ता, और इज हटाना होता, आर लगाना होता। चलिए अब आगे के लाइन में चलते, यहाँ पर देख लेते हैं आदत के लिए, यहाँ पर हम डाल देते हैं इन द हैबिट, एच ए बी आई टी, इन द हैबिट ऑफ। रही बात बेटा बोलने की, तो बोलने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, बोलना का यहाँ टेलिंग लिखेंगे, झूठ की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हम आई लिखेंगे। हम आपको कितना पहले वाले वीडियो में हम आपको समझा चुके हैं कि बोलना की अंग्रेजी स्पीक कब लिखेंगे, टेल कब लिखेंगे, बैग वाले में, बैग का जो वीडियो आप उसको पलट करके देखने की कोशिश करेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगली क्वेश्चन है कि उन लोगों को कॉफी पीने की आदत है, उन लोगों को कॉफी पीने की आदत है। इसको डिवाइड कर लीजिए थोड़ा सा, एक नंबर में उन लोगों को, दो नंबर में आदत है किस चीज की, पीने की। क्या पीने की? कॉफी। अब यहां पर उन लोग लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे आप, यहां पर दे लिखेंगे। आप जान रहे हैं कि दे के साथ क्या डालना है, आर लगाना है। चलिए उसके बाद रहा सवाल आदत, आदत के लिए क्या लिखेंगे आप यहां पर, इन द एच ए बी आई टी, इन द हैबिट ऑफ। रही सवाल यहाँ पर पीने की, तो पीने के लिए क्या लिखोगे आप यहाँ पर, टेक, टेक के बाद क्या लिखेंगे, आई एन जी, तो ये फिर ये टेकिंग बन जाएगा। रही बात यहाँ पर कॉफी की, तो सी ओ डबल एफ डबल ई। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे के लाइन में गौर कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग फिर से देख लेते हैं अगली क्वेश्चन। हम अगली क्वेश्चन है कि आपको आपको बक बक करने की आदत है। बहुत ही बढ़िया, हम आपको क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं। आप लोगों को आपको बक बक करने की आदत है, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दो आप यहां पर। चलिए डिवाइड करते हैं, एक नंबर में आपको, दो नंबर में आदत है किस चीज के बेटा, बक बक करने की। तो यहां पर आपको की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप यहां पर, यू लिखेंगे। यू के साथ क्या डालना है बेटा, आर डालना है। रही बात आदत की, तो आदत की अंग्रेजी क्या लिखोगे आप यहां पर, इन द हैबिट, एच ए बी आई टी, इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग, टी एल के आई एन जी, टॉकिंग, नॉनसेंस, नॉनसेंस लिखेंगे यहां पर हम, एन ओ एन एस ई एन, साफ साफ हम चलिए इसको क्लियर कर देते हैं, आपको पता चल जाएगा यहां पर, एन ओ एन एस ई एन एस ई, टॉकिंग नॉन सेंस, एन ओ एन एस ई एन एस ई। चलिए तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको यहां तक पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगली क्वेश्चन एक थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसके बाद हम इसको हम छोड़ देंगे, आगे की ओर पढ़ाएंगे हम आपको। अब हम आगे देखते हैं, इस
लड़का को। इस लड़का को बात बात पर बात बात पर हंसने की आदत है। इस लड़का को बात बात पर हंसने की आदत है। इसको थोड़ा सा आप लोग डिवाइड कर लेंगे। इस लड़का को ये एक नंबर हो जाएगा आदत है। दो नंबर किस चीज की आदत भाई? हंसने की आदत। मगर कहां तो बात बात पर। अब यहां पर इस लड़का की अंग्रेजी क्या देखेंगे आप यहां पर? दिस बॉय, आपको पता चल रहा होगा दिस बॉय। चलिए हम साफ साफ कर देते हैं तो आप बोलेंगे कि सर पता ही नहीं चल रहा। चलिए भाई दिस बॉय हो जाएगा यहां पर। यहां पर लड़का एक ही त्रिज डालेंगे। दिस बॉय इज इन द हैबिट ऑफ, दिस बॉय इज इन द हैबिट ऑफ laughing, 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 this boy is in the habit of laughing. रही बात 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 पर, तो at लिखने के बाद every के बाद बेटा यहाँ पर तुम करना क्या, यहाँ पर matter लिखना, matter, every matter. अब यहाँ पर इस लड़का को नहीं होता तो this boy नहीं होता, आदत है नहीं होता तो is in the habit of नहीं होता, नंबर तीन हंसना नहीं होता तो बेटा यहाँ पर लाफिंग नहीं होता, बात बात पर नहीं होता तो एट एवरी मैटर नहीं होता। तो ऐसा फिर एक बात क्लियर कर देते हैं। अगर यहाँ पर आता इन लड़कों को तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? दीज बॉयज, और इज के जगह पर क्या करते हैं? आर लिखते हैं। यहाँ पर एक ही लड़का है इसलिए यहाँ पर इज लगाना पड़ा है। अगर आप यहाँ पर आर लगाएंगे तो ये सरासर गलत हो जाएगा। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे एक विद्यार्थी जी का सवाल है कि सर थोड़ा सा इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी सर बताते। चलिए हम आपको बता देते हैं, बहुत इजी है। अब जैसे कि उसे खेलने की आदत है, ही इज इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग, इसका नेगेटिव क्या बनाइएगा बोलिए? ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्या उसे खेलने की आदत है? इज ही इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग। चौथा, क्या उसे खेलने की आदत नहीं है? इज ही Not in the habit of playing. पांचवा, उसे खेलने की आदत क्यों है? इसकी क्या अंग्रेजी बनाएंगे आप लोग यहाँ पर? इसकी अंग्रेजी बनाएंगे यहाँ पर हम Why is he in the habit of playing? तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आप इसका negative interrogative भी बना लेंगे। और प्रासा आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले, ताकि मेरे अगले स्टूडेंट को भी इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को लॉट्स ऑफ थैंक्स।